सेटिंग ओपन करना है। एंड फोन का सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। एंड नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो आपको क्या करना है सिस्टम पर टच करना है। अब दोस्तों जैसे आप अपने फोन के अंदर सिस्टम में जाते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेस्चर, ठीक है। तो आपको क्या करना है गेस्चर पर क्लिक करना है। एंड जैसे गेस्चर पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट में सिस्टम का, ठीक है। तो आपको क्या करना है फाइनल दोस्तों इस पर टच कर देना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे टच करते हो तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि फाइनल दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक गेस्चर का एंड एक थ्री बटन का। तो दोस्तों आपको क्या करना है पहले आपके फोन के अंदर क्या होगा थ्री बटन में होगा, तो ठीक है आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे गेस्चर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे अपने फोन के अंदर गेस्चर में कर देते हो ना तो दोस्तों क्या होगा ना कि जो आपका फोन के अंदर बैक बटन है वो इनेबल हो जाएंगे, जैसे कि आप क्यों यहाँ पे क्या होगा जो बटन है वो गायब हो जाएगा। एंड दोस्तों आप यहाँ से खुद से अपने फोन के अंदर इधर साइड से बैक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आए मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।